दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगी ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन कैसे बनाना है। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो देखिए आज की वीडियो में आपको ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन के बारे में बता रही हूँ और इसकी ओपनिंग फ्रंट में है। मैंने ब्लाउज और लाइनिंग दोनों कट कर लिया है और देखिए मैंने दोनों एक साथ स्टिच भी कर लिया है लाइनिंग के साथ में। और अभी आपको डिजाइन बताती हूँ, तो उसके लिए आप या तो इसे सीधा भी कर सकते हैं, आप चाहे उल्टा करके भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मैं इसी में ड्रॉ कर रही हूँ। तो देखिए शोल्डर से 2.5 इंच ले रहे हैं और जो लेंथ है आप अपने साइज के अनुसार ले सकते हैं। जो मैं ले रही हूँ आप उससे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ये 10.5 इंच लिया, तैयार में 10 इंच आएगा। इसके बाद हम यहाँ पे 1 इंच का निशान लगाते हैं, सिंगल करेंगे तो हमारा ये 2 इंच हो जाएगा। और ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ब्रॉड करूँगी, आप चाहें तो इस बॉक्स के अंदर ही कर सकते हैं अगर ब्रॉड ज़्यादा नहीं पहनते हैं आप। तो शोल्डर से सेम रहेगा, नीचे से ब्रॉड आएगा इस तरह से। सेम डॉट पर कट कर लेते हैं। तो देखिए ये हमने नेक कट कर लिया है। अब इसी ड्राफ्ट को रख के कैनवास नेक पट्टी कट कर लेती हूँ। देखिए मैंने ये लाइनिंग का पीस लिया है और इसको डबल फोल्ड कर लिया है और इस ड्राफ्ट को रख के मैं ये पट्टी कट कर लूँगी। इसकी चौड़ाई 1.5 इंच लूँगी, कैनवास लूँगी उसकी चौड़ाई 1 इंच। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। अब जैसे हमारा ऊपर थोड़ा सा कम है कपड़ा, तो जो बचेगा यहाँ पर आप ज्वाइंट कर सकते हैं। ऑलरेडी हमारा यहाँ पर ये कट है तो यहीं से हम कट कर ले लेते हैं। तो देखिए मैंने कैनवास भी कट कर लिया, अभी आपको सिलने का तरीका बताती हूँ। तो देखिए इस तरह से हम कैनवास को यहाँ पे सेट कर लेंगे और जैसे ये कोना है यहाँ पे कट दे देंगे, जिससे क्या है हमको सेट करने में इजी रहेगी। तो देखिए इस तरह से ये सेट हो जाएगा। इसी तरह दूसरा साइड का पीस तैयार कर लेंगे। और जो हमने ये ब्लाउज कट कर लिया, हमने पहले इसको लाइनिंग के साथ स्टिच तो कर लिया था लेकिन अभी हमने नेक कट कर दिया है तो यहाँ से ये खुला पीस है, तो यहाँ पर भी पहले सिलाई डाल देंगे और उसके बाद जो नेक पट्टी तैयार हो जाएगी उससे इसकी फिनिशिंग देंगे। तो देखिए जैसे मैंने बताया था मैंने यहाँ तक स्टिच कर लिया है इसको, जो कि नेक कटने के बाद खुल गया था। और जैसे मैंने कैनवास और पट्टी बताई थी वैसे तैयार कर लिया और मैं इसमें डोरी भी लगा रही हूँ, तो डोरी भी मैंने रेडीमेड डोरी ली है। और अभी हम इसको अटैच करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इस तरह से सेट कर लेते हैं, जो एक्स्ट्रा है इसको कट कर देंगे। और जो डोरी लेनी है यहाँ से 2.5 इंच लेना है, तो मैंने यहाँ पर मार्किंग कर लिया और अभी हम डोरी को यहाँ पर अटैच कर देंगे पट्टी के साथ साथ ही। तो देखिए मैंने ये स्टिच कर दिया, बीच बीच में कट दे देते। अभी हम इस पट्टी को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके इसकी फिनिशिंग दे देते। तो देखिए मैंने यहाँ तक फिनिशिंग दे दी, जैसे प्लेट डालते हैं प्लेट डाल दी। अभी जो कमर की फिनिशिंग है वो दे देते हैं। तो उसके लिए मैंने 1.5 इंच पट्टी चौड़ी कट कर ली है और इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके यहाँ से इसकी फिनिशिंग दे देते हैं। तो देखिए मैंने कमर की फिनिशिंग दे ली, इसी तरह मैंने दूसरा पीस भी तैयार कर लिया है। तो ये हमारे दोनों पीस अभी तैयार हो चुके हैं और अभी हम यहाँ पे जो डिज़ाइन डालने वाले हैं वो डालते हैं। और जो ये है पट्टी इसको अंदर फोल्ड करके अभी मशीन डाल देंगे, बाद में इसमें तुरपाई कर लेंगे। देखिए मैंने फोल्ड कर दिया है। अभी देखिए जो मैंने डोरी बनाई है और ये 1.5 इंच लंबी मैंने पीस लिया है। मैंने ये गोल्ड कलर लिया है, आप चाहें तो कोई भी कलर मैचिंग के अनुसार ले सकते हैं। तो इस पट्टी को यहाँ पर मैं इस तरह से फोल्ड कर दूँगी और फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पर 3 पीस लगाएंगे, एक ऊपर एक नीचे और एक बीच में। आप चाहें तो अगर पट्टी ज़्यादा है आपकी तो इसमें 4-5 पीछे इस तरह के लगा सकते हैं।
तो देखिए मैंने ये लगा दिए, इसी तरह मैं दूसरे पीस में भी लगा दूंगी। और अभी देखिए जो हमने लेस लिए ये लगाएंगे, और देखिए यहाँ से पहले एक मार्किंग कर लेते हैं क्योंकि लेस हम मुड्डे साइड में भी स्टिच करने वाले हैं। तो इस तरह से हम ले लेते हैं यहाँ पर शोल्डर से यहाँ पर 9 इंच। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके ऊपर तक अटैच कर देंगे। जो 9 इंच से आएगा ये हमारा इस तरह से आएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले ऊपर वाला पीस ले लेते हैं। देखिए एक लाइन तो मैंने लगा लिया, मैं एक और लाइन लगाने वाली हूँ। तो इसको थोड़ा सा गैप यहाँ पे छोड़ दूंगी 1/2 इंच के आसपास, और वो भी यहीं तक लगाऊंगी। तो देखिए अभी हमने जो ये लाइन लिया यहाँ से लेके हम इस तरह से पूरे कमर तक इसको स्टिच कर देंगे, और जो ये एक्स्ट्रा है इसको भी कट कर देंगे। तो देखिए एक लाइन मैंने स्टिच कर दी है, और इसी तरह मैं एक और लाइन लगा देती हूँ और सेम दूसरा पीस भी तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने दोनों पीस तैयार कर लिए हैं। और देखिए ये मैंने डोरी ली है 1 मीटर के आसपास लंबी ली है, मैंने ये भी रेडीमेड ली है, और आप चाहें तो ये डोरी भी बना सकते हैं ब्लाउज की सेम। तो देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, एक डोरी यहाँ से निकाल देंगे एक हिस्से का, और दूसरा साइड का पीस हम दूसरी साइड से निकालेंगे। इसमें मैंने बीच में पैच नहीं रखा है, ये डोरी से ही हम इसको इस तरह से डिजाइन देंगे। तो देखिए अभी जो ये साइड का पार्ट है लेफ्ट साइड का, राइट साइड में लेंगे। और जो हमारा ये लेफ्ट साइड वाला था इसको अभी हमने राइट साइड में ले लिया, और राइट साइड वाला लेफ्ट साइड में ले लेंगे इस तरह से। और देखिए यहाँ पे हम लेके इस तरह से सेट कर देंगे जितना हमको ये बीच में पैच चाहिए। जैसे हमने ये 1 इंच के आसपास कट किया था, तो 2 इंच आप इसको ले लें और यहीं पे इसको टाइट कर देंगे। तो देखिए ये मैंने इस तरह से लेस लगा के तैयार कर दी। इस तरह मैंने दूसरा साइड का पीस भी तैयार कर लिया। और देखिए हमने ये लेस जो है डोरी इस तरह से लगा दी है। आप चाहे तो यहाँ के इसके अंदर से एक पैच भी लगा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। नहीं तो ये डिज़ाइन आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप चाहते हैं जैसे मैंने बताया यहाँ पर पैच लगाना है, तो वो भी लगा सकते हैं। देखिए मैंने ये लटकन भी लगा दिए, और ऊपर वाली डोरी में मैंने इस तरह के लटकन बनाया। और इस तरह के लटकन कैसे बनाते हैं इसका वीडियो मैंने अपलोड किया, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर हमारा ब्लाउज नेक डिजाइन तैयार हो गया। तो आप इस आसान तरीके से सुंदर सी ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।